गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं बायोलॉजी में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताने जा रहे हैं। इस अंतर को मैं एक शानदार तरीका से बता रहा हूं, जिसे आप चुटकी में याद कर सकते हैं। आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको देखते ही यह 4 नंबर का प्रश्न आसानी से आपके दिमाग में याद हो जाएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बना रहे इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगा हुआ है, और यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का यह वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट और लाइक से ही हमें पता चल पाता है कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। एक वाक्य लिखते हैं, प्रश्न है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। इसे आप एक वाक्य में याद रख सकते हैं। वह वाक्य है ला के मा री री ला के मा री गो। ला के मारिगो, यह छोटा सा वाक्य जो है आप याद रखेंगे और इस अंतर को आसानी से लिख सकते हैं, ला के मारिगो। अब ला से हो गया लाइसोसो, ला से हो गया लाइसोसो, लाइसो सो। ला से हो गया लाइसोसोम, के से हो गया केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। मास हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। मास माइटोकॉन्ड्रिया, री से रिक्तिका, रिक्तिका। गो से गॉल्जी उपकरण, गॉल्जी उपकरण। अब लिखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। प्रो कै
रियोटी प्रोकैरियोटिक, अब आप इधर लिखते हैं यूकैरियोटी, यूकैरियोटी। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में यह उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है। केंद्रक झिल्ली भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित रहता है, यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित रहता है और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित रहता है। रिक्तिका भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित रहता है, इसमें उपस्थित रहता है यूकैरियोटिक कोशिका में। गोल्जी उपकरण भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित रहता है और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित रहता है। यानी कि लाइसोसोम, केंद्रक झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, गोल्जी उपकरण प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह अनुपस्थित रहता है और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित रहता है। इधर सारे अनुपस्थित कर देंगे, इधर यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित कर देंगे। इस तरह आप एक छोटा सा वाक्य लाके मारी गोली से आप इसे अंतर को आसानी से लिख सकते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।